तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई तेज आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं हम सब मिलकर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला है। इस टॉपिक के बाद आप सभी को बहुत ही फायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, और आपको कोई भी फायदा मिला तभी आकर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को प्रेस करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक का नया रूल आया है उसके ऊपर बेस्ड ये वीडियो है। और क्योंकि ट्रैफिक से आपको कैसे बचना है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अभी अभी जो ट्रैफिक का नया रूल आया है इसमें बहुत लोग को बहुत फाइन भरना पड़ रहा है। तो इस फाइन से कैसे बचे, सिंपल सा एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा और एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। ये देखिए मेरा प्ले स्टोर, ये है प्ले स्टोर, और ये प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन। ये जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ मेरे प्ले स्टोर से। देखिए यहाँ पे मेरा डाटा ऑफ है, तो देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने सर्च कर रहा हूँ, RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन। इस एप्लीकेशन को आने के बाद देखिए यहाँ पे वो एप्लीकेशन है, 4.7 स्टार का रेटिंग मिला है इस एप्लीकेशन को देखिए। और तो मैं इस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी को शो करेगा। यहाँ ये एप्लीकेशन आपका क्या मदद करेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन के दौरान आप सब कुछ पहले से ही जान सकते हैं, मतलब आपका गाड़ी का लाइसेंस वगैरह, गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह, गाड़ी का फिटनेस, कुछ भी, कोई भी गाड़ी हो। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन को। देखिए यहाँ से सिंपल सा ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, कुछ भी है आपके पास, सिर्फ उसका नंबर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आपका फुल डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए पहला वो ऑप्शन है, यहाँ पे देखे लिखा है अरे सर्च व्हीकल डिटेल्स, नेक्स्ट आ रहा है सर्च लाइसेंस डिटेल्स। आपका लाइसेंस चेक करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और व्हीकल का डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं व्हीकल का डिटेल्स चेक करने वाला हूँ अभी। देखिए यहाँ पे टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का फिर से एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, बाइक, कार, ट्रक, बस, ETC। तो आपको आपके पास जो चीज़ है उसको सिंपल सा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरे पास बाइक है, बाइक को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका बाइक का नंबर डालना है, मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैं मेरा बाइक का नंबर जो डाल दिया, और बाइक का नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए इंजन का नंबर, रजिस्ट्रेशन, व्हीकल क्लास, फ्यूल टाइप, व्हीकल का एज कितना है, मतलब आप जब से खरीदे हो उससे आज दिन तक कितना हो गया। मेरा 9 ईयर्स 4 मंथ 28 डेज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन डेट भी दिखाएगा, व्हीकल इंश्योरेंस सब कुछ दिखाएगा। देखिए यह बहुत बड़ा आपको जानना चाहिए ये क्या है, ये जो दिखा रहा है इंश्योरेंस, हमारा व्हीकल इंश्योरेंस अप टू यहाँ पे दिखा रहा है 11 मई 2011। यह जो बहुत बड़ा, ये दरअसल ये बाइक खड़ा था वहाँ पे, मैंने उसको उठा के दिखा देना है वो आपको। ये बाइक का इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है 2011 से। अभी जो ट्रैफिक इसको पकड़ेगा तो लगा देगा 5,000 का फाइन। तो इसीलिए यदि पहले से ही आपको पता होगा कि आपका बाइक का इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है तो फिर आप इंश्योरेंस करवा लेंगे, वह उस बाइक को नहीं लेके नहीं जा सकते बाहर। तो देखिए यहाँ पे ट्रैफिक से बचने के लिए पहले आपको अपना गाड़ी का डिटेल्स सब कुछ देखना है। फिटनेस अप टू यहाँ पे देखिए, फिटनेस अप टू 13 मई 2025 का दिखा रहा है, तो मेरा फिटनेस अभी 2025 तक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इंश्योरेंस देखना है, अपना लाइसेंस चेक करना है, ये सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन के मदद से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगने से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत फ़ायदा मिला तो होगा मैं ज़रूर। तो इसीलिए प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नया वीडियो के ऊपर, तब तक।